बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज मी साधिया किरण एंड वेलकम टू माय चैनल साधिया डिजिटल हब। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी वर्क लेके आई हूँ, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट के पास उनकी असाइनमेंट्स भी होती हैं, बुक्स भी होती हैं, और अब तो हर चीज जो है वो मोस्टली ऑनलाइन हो गई है। तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स और पीडीएफ फाइल्स जो है वो स्टूडेंट के पास सेव होती हैं, तो उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से उन डॉक्यूमेंट्स को सेल करके आप लोग जो है वो अर्निंग भी कर सकते हैं, खुद भी पढ़े और अर्निंग भी करें, ठीक है? दोनों तरह से आपके वो डॉक्यूमेंट्स हो गए, असाइनमेंट्स होंगी, वो आपके काम आ सकती हैं। तो उसके लिए चलते हैं एक वेबसाइट पे। वेबसाइट का नेम है स्टडी पूल, ठीक है? आप लोगों ने ये काम मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं, तो परेशान नहीं होना कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। एज अ स्टूडेंट जो है वो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप बनाते तो हैं ही, आप उनको यहाँ पे सबमिट करके साथ ही साथ जो है वो अर्निंग भी कर सकते हैं। स्टूडेंट से हट के भी जो लोग हैं वो भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के तो यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं, तो ठीक ठाक डॉलर जो है वो यहाँ से लोग कमा रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। सो इस तरह का जो है वो इस वेबसाइट का इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पे आप जो है वो इसको रीड आउट कर सकते हैं, किस तरह के जो है वो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। साइंस भी आ गया, प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, राइटिंग, ह्यूमैनिटीज, बिजनेस, तमाम सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ये बाकी इसका इंटरफेस है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये किस तरह का यहाँ पे वर्क हो रहा होता है, और ये डॉक्यूमेंट्स की टाइप्स भी दिखाई गई है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। मेक श्योर के डॉक्यूमेंट्स आपके कॉपीड ना हो, गूगल से उठाए गए या इधर उधर से उठाए गए डॉक्यूमेंट्स ना हो, जेन्युइन वर्क होना चाहिए अगर आप लोगों ने यहाँ से अर्निंग करनी है तो, ठीक है? उसके अलावा अब आप लोगों ने क्या करना है कि अगर अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन पे क्लिक कर दें, अगर नहीं बना हुआ तो आप जो है वो साइन अप पे क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के यहाँ पे आपके पास तीन तरीके हैं, ठीक है? डायरेक्ट अपनी ईमेल लगा के भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर अपने गूगल से या फेसबुक से भी साइन अप कर सकते हैं। हम करेंगे यहाँ पे अपनी ईमेल को लिख के डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है? उसके बाद जो है प्रॉपर हम इसका इंटरफेस देखते हैं। ले जी, मैंने यहाँ पे अपना नाम भी पुट कर दिया और पासवर्ड भी मैंने यहाँ पे लिख दिया और क्रिएट अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे इनकी कुछ डिमांड्स होती हैं कि यूजर नेम जो है उसमें स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अपनी ईमेल और पासवर्ड लिखे आप लोगों ने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है और जो आपका अकाउंट है वो बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हम जो है वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। अब जी यहाँ पे हमने क्या करना है कि अपनी ईमेल को लिख के जो है वो वेरीफाई कर लेना है। ओके जी, अब यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि हम अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लें, हमें उन्होंने ईमेल भेजी है, तो हम जाएंगे अपनी जीमेल के अकाउंट पे, वहां पे देखेंगे कि हमें कौन सी ईमेल आई है, उस पर हम जाएंगे और वहां पे क्लिक करके अपनी ईमेल को वेरीफाई कर देंगे ताकि हम अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकें, उसको सिक्योर कर सकें। अब इस तरह से जी हमारा जो अकाउंट है वो सिक्योर हो जाएगा, हमारी ईमेल जो है वो वेरीफाई हो गई है। अभी हम लोगों ने क्या करना है कि दोबारा से अपना अकाउंट जो है वो लॉग इन करना है। हमारे पास कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, हमने क्या करना है इसको भी एग्री कर देना है। हाँ जी, हम इस पे भी एग्री हैं, तो अब ये हमारा अकाउंट हो गया जी ओपन, ठीक है? साध्य किरण के नाम से मेरा अकाउंट ओपन हुआ है। अभी यहाँ पे कोई मैंने पिक्चर वगैरह लगानी हो तो मैं वो भी लगा सकती हूँ, और मतलब यहाँ पे प्रॉपर इसकी जो है वो डॉक्यूमेंट वगैरह सिलेक्ट करके और प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट करके तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे कोई भी जो है वो मैं इमेज वगैरह उठा के उसको अपलोड कर देती हूँ, और उसके बाद जो है हम फर्दर आगे चलते हैं। हमारा स्कूल लिखते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देती हूँ और उसके बाद ये कंटिन्यू पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो है वो ये हमारा अकाउंट हो गया ओपन, ठीक है? अब वो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे इस तरह से काम होता है, ये काम होता है। तो अब देखें, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने लगाने हैं, हम पीडीएफ फाइल भी लगा सकते हैं, ठीक है? और इनको अगर आप प्रिंट आउट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डन पे क्लिक कर दिया और अभी जो हमारा अकाउंट है वो प्रॉपर एक्टिव हो जाएगा ताकि हम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पे अपलोड कर सके। अभी है जी यहाँ पे हमने कुछ भी अपलोड नहीं किया, डॉलर्स भी जीरो है, कोई डॉक्यूमेंट्स हमारा ना अपलोड किया है ना हम लोगों ने सेल किया है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा कोई भी क्वेश्चन वगैरह कुछ भी सेट यहाँ पे नहीं है। ओके जी, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं डॉक्यूमेंट्स को सेल करने के लिए और अर्निंग करने के लिए, तो हमने क्या करना है, सेल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि गूगल से उठा के या फेसबुक से उठा के अपलोड नहीं करने हैं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड करने, जो आप लोगों ने खुद बनाए हुए होंगे, ठीक है? आप यहाँ पे जो है वो क्विज को अपलोड कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्स के अपलोड कर सकते हैं, और असाइनमेंट्स, अपने क्लास नोट्स या कोई भी मल्टी लैंग्वेज कंटेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स डिक्लाइन हो जाएंगे तो वो यहाँ पे शो होंगे, अगर वो पेंडिंग में है कि वेट में है अभी ये चेक कर रहे हैं तो वो यहाँ पे शो होंगे, अगर अप्रूव हो जाएंगे तो वो आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे।
और अपलोड करने के लिए आप लोगों ने क्लिक करना है अपलोड फाइल्स पे, और यहाँ से आप अपनी मर्जी की फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको अपलोड पे क्लिक कर देना है, तो जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से जाके भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं अगर आपकी ज्यादा फाइल्स हैं तो। यहाँ से जाके भी मैक्सिमम 200 MB की या फाइल अपलोड जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो डॉक्यूमेंट है वो टिपिकल कितना चाहिए, विद इन 48 आवर, बट कैन टेक लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम। ठीक है कि अप्रूव होने में 48 घंटे लग सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट आपका काफी बड़ा है तो मजीद टाइमिंग भी लग सकती है। वर्क कैसे करना है, ठीक है किस तरह से ये वर्क होता है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, फाइल अप्रूव हो जाएगी, जो यूजर है वो डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे और आपकी जो अकाउंट है उसको सब्सक्राइबर यूजर कैन व्यू डॉक्यूमेंट्स बाय अनलॉकिंग आइटम। ठीक है और जैसे ही वो ओपन करेंगे ना, उनके ओपन करते ही आपके अकाउंट में $10 आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आपको अर्निंग के लिए जो यूजर्स हैं उनका डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना जरूरी है। किस तरह से आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं और क्या काम आप लोगों ने नहीं करना वो यहाँ पे आप लोगों को सारा शो हो रहा है। तो इस तरह से जो है ये आप लोगों ने इस पे काम करना है। कुछ अगर आपको आइडिया ना हो तो आप यहाँ से इस कंटेंट को भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने काम किया हुआ है। कोई हेल्प चाहिए हो तो आप जो है वो फाइव में जाके भी ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके जी, इस तरह से जो है वो डॉक्यूमेंट्स को आप लोग अपलोड कर सकते हैं। आप जरा देख लेते हैं हमारे पास मेन्यू टैब में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं तमाम चीजें शो हो रही हैं। तो गाइड बुक्स हैं, किस तरह काम करना है, ट्यूटर्स, आपका बैलेंस जो है वो यहाँ पे आपको शो होगा कि कितनी अमाउंट है आपके अकाउंट में। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि विड्रॉ भी किस तरह से आप यहाँ से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है मेरा, यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस शो होगा। टोटल बैलेंस जो आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो आप विड्रॉ कर सकते हैं वो यहाँ पे शो होगा, जो पेंडिंग में है वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अवेलेबल बैलेंस आपका यहाँ पे शो होगा। अगर अपने अमाउंट को निकलवाना है तो वो जो है 2 से 3 दिनों में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती है। अमाउंट निकलवाने के लिए आप लोगों ने क्लिक करना है विड्रॉ मनी पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो होगा। अब अमाउंट को आप किस किस तरह से निकलवा सकते हैं, तमाम बैंक अकाउंट में विड्रॉ ले सकते हैं, जिसमें पेयोनियर आ गया, पेपल आ गया, ट्रांसफर वाइज, इस तरह से ये तमाम यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट शो हो रहे हैं। तो जिस भी अकाउंट में आपने पेमेंट निकलवानी है आप सिलेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं और वहां पे आप अपनी पेमेंट का विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पेयोनियर अकाउंट को आपने किसी भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले जो पेमेंट है वो आपके स्टडी पूल अकाउंट से आएगी पेयोनियर अकाउंट में, पेयोनियर अकाउंट से फिर आप अपने पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में करवा सकते हैं। येस कैश में भी इसका विड्रॉ हो जाएगा। तो और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप स्टडी पूल से पेमेंट को विड्रॉ करवाएंगे तो उसके 2% चार्जेस भी लगेंगे। अगर आप पियोनियर में करवा रहे हैं तो 2% है, अगर आप पेपैल में करवा रहे हैं तो 3.5% जो है उसके चार्जेस कट होंगे। तो मीन कोने को टैक्स लाजमी कट होगा। सो ये था आज की हमारी तमाम वीडियो के बारे में। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इस पे आप लोग वर्क भी लाजमी कीजिएगा। सो ये तमाम था स्टडी पूल का तारुफ, उस पे काम कैसे कर सकते हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, कैसे अपलोड करने हैं, विड्रॉ कैसे करना है, किन अकाउंट्स में विड्रॉ हो सकता है, इन तमाम चीजों पे आप लोगों को ग्रिप होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो में तमाम बातों की समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इस पे आप लोग लाजमी काम कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में आप लोग कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।